को हमके इतना याद आती है कि हम उसका सहारे जी सकती हूँ, उसका याद के सहारे जी सकती हूँ, विधवा बन के हम जी सकती हूँ, हम शादी नहीं करेंगे। इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर कई सारी महिलाएं ऐसे हैं जो इस तरह की कुरीतियों का शिकार हो रही है, इस तरह के अपराध का शिकार हो रही है। वो मुखर होकर के अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, वो अपने माँ बाप, खानदान, रिश्तेदार, समाज के खिलाफ वो नहीं जाती है। लेकिन आप पहली लड़की हैं जो आज गई है, क्या कहेंगी, क्या क्या वजह था इसके पीछे की? वजह था, ऐसे होने से देश बर्बाद हो सकता था, ऐसे इस पर कोई खिलाफ नहीं निकलना चाहते थे, इसके खिलाफ हम निकले, हम इसका इंसाफ दिला सकते हैं, इंसाफ दिलाएंगे और देंगे। आपको लगता है कहने के इस तरह की जो कुरीतियां समाज के अंदर फैली हुई है, ऐसे नहीं होने देंगे, गलत है, आगे होने भी नहीं देंगे इस तरह का, इसका आवाज हम उठाएंगे। कानून तो अपना काम करेगा ही। जिस प्रकार से आज 3 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी शेष बचे 4 की भी गिरफ्तारी हो जाएंगी, वो जेल तो जाएंगे ही, सजा उसे मिल जाएगी। आपका फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, क्या करना चाहती है आगे चलकर? कानून प्रक्रिया के बाद मेरी यही है कि आरती छोटू के नाम से चैरिटेबल एक ट्रस्ट खोलूंगी मैं। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नजर सच्चाई की ओर। छोटू हत्याकांड के बाद हमें भी कई सारे कॉल्स आए हैं, हर रोज सैकड़ों कॉल्स हमारे चैनल को आता है कि आखिर आरती का भविष्य का क्या होगा। आज हम आरती के पास पहुंचे हैं, इनसे ही जानेंगे कि आखिर बाकी जो पहाड़ की तरह जिंदगी बची हुई है उसे कैसे ये जिएंगी, इनका क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आरती जी, आपसे मेरा सवाल यह होगा कि जिस प्रकार से कुछ सोशल मीडिया पर यह बातें सामने आ रही है कि आपकी शादी कहीं ना कहीं छोटू के जो बड़े भाई हैं उनके साथ होने वाली है, इसमें इस बातों में कितनी सच्चाई है, क्या कहेंगी पहले आप बताएं मुझे? देखिए, इसमें हम यही बोल सकते हैं, हम अभी तक इसमें कुछ सोचे भी नहीं और हमको लगता है कि हम सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटू को हमके इतना याद आती है कि हम उसका सहारे जी सकती हूँ, उसका याद के सहारे जी सकती हूँ, विधवा बन के हम जी सकती हूँ, हम शादी नहीं करेंगे। एक गलत अफवाह फैलाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हम नहीं करेंगे शादी। आरती जी, एक सवाल मेरा और है, यह सवाल आपसे करना बनता है। इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर कई सारी महिलाएं ऐसे हैं जो इस तरह की कुरीतियों का शिकार हो रही है, इस तरह के अपराध का शिकार हो रही है। वो मुखर होकर के अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, वो अपने माँ बाप, खानदान, रिश्तेदार, समाज के खिलाफ वो नहीं जाती है। लेकिन आप पहली लड़की हैं जो आज गई है, क्या कहेंगी, क्या क्या वजह था इसके पीछे की? वजह था, ऐसे होने से देश बर्बाद हो सकता था, ऐसे इस पर कोई खिलाफ नहीं निकलना चाहते थे, इसके खिलाफ हम निकले, हम इसका इंसाफ दिला सकते हैं, इंसाफ दिलाएंगे और देंगे, दिलवाएंगे, देंगे। आपको लगता है कहने के इस तरह की जो कुरीतियां समाज के अंदर फैली हुई है, ऐसे नहीं होने देंगे, गलत है, आगे होने भी नहीं देंगे इस तरह का, इसका आवाज हम उठाएंगे, उठवाएंगे। कानून तो अपना काम करेगा ही। जिस प्रकार से आज 3 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी शेष बचे 4 की भी गिरफ्तारी हो जाएंगी, वो जेल तो जाएंगे ही, सजा उसे मिल जाएगी। आपका फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, क्या करना चाहती हैं आगे चलकर? कानून प्रक्रिया के बाद मेरी यही है कि आरती छोटू के नाम से चैरिटेबल एक ट्रस्ट खोलूंगी मैं। इसके बाद जो है, इसमें देश और प्रदेश के अनेक कानूनियों, कुरूतियों, अपराधियों, कुरूतियों की बातें होती रहती है, जिसमें इसके अपराधियों जो पीड़िता होगी उसको मैं सलाह दूंगी और उसको अच्छा से जो भी होगा करूंगी मैं। आप ये चाहती हैं कि कानूनी प्रक्रिया के बाद आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहती हैं छोटू आरती के नाम से? जी। अच्छा, तो इस चैरिटेबल ट्रस्ट में आप उन महिलाओं को आप सपोर्ट करेंगी जो पीड़िता, सब चीज़ से, जो कुरूतियों से, सब चीज़ से दबे हों, इसी प्रकार से जो सामाजिक कुरूतियों से परेशान रहती हैं, जो दर दर की ठोकरें खाती हैं, उनको आप सपोर्ट करेंगे, कह रही हैं जी। देखिए, आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगा और छोटू, जहाँ तक की बात है, इनका परिवार भी सशक्त उतना नहीं है, बैकग्राउंड भी उतना मजबूत इनके पास में नहीं है, कमाई का जो जरिया है काफ़ी उतना हद तक नहीं है। बहुत खुशी की बात है कि छोटू की हत्या के बाद भी जो इनके जो परिवार वाले आपको संभाले हुए हैं, आप बोल रहे हैं कल होकर कि हम ट्रस्ट खोलना चाहते हैं छोटू आरती के नाम से, और आप चाहते हैं कि ज़िंदगी भर तक कि आप उनकी विधवा बन के रहें, तो ट्रस्ट की शुरुआत के लिए आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वो कैसे होगा? वो कर सकते हैं, पैसे जो मतलब उधर से सपोर्ट करेंगे तो होगा ना। अच्छा, आप चाहते हैं कि आम पब्लिक आपको सपोर्ट करें? जी। सपोर्ट वो कैसे करेंगे, जो करना चाहते हैं कैसे करेंगे सपोर्ट आपको? पीएफ है, गूगल पे है, अकाउंट है, उस पर कर सकते हैं, नंबर है उसका, नंबर बता दे सकती हूँ मैं। अच्छा, बताइए नंबर क्या है? 9934726067।
9999 34 72 60 67। और जो आपका अकाउंट नंबर है वो आप बता देंगे मुझे? अकाउंट नंबर अभी मुझे मालूम नहीं है, याद नहीं है। बाकी जो आम लोग हैं जो आपको देश प्रदेश और पूरी दुनिया में देख रहे हैं, उसे क्या आग्रह करना चाहती हैं आप? हम सबको धन्यवाद देती हूँ, सब मुझे सपोर्ट करें, कदम से कदम मिला करके चले, ताकि हमको भी हौसला बढ़े और हम आगे भी बढ़ सकें। तो अभी आपने सुना, ये आरती जी थी जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इनका कहना है कि जिस प्रकार से सोशल साइट पर यह बातें और अफवाह फैलाई जा रही है कि शादी हमारी जो छोटू के बड़े भाई उनके साथ होने वाली है, वो बिल्कुल गलत है। और ना ही जो ऑडियो आप सुन रहे होंगे सोशल साइट पर वायरल हो रहा, वो भी इनकी ऑडियो है। इनका यह कहना है कि फ्यूचर में ये छोटू का ही विधवा बन के ज़िंदगी जिएंगी, और ये चाहती हैं कि इस तरह की महिलाएँ जो समाज से देश के अंदर पीड़ित हैं, जिनको कोई मदद नहीं करती हैं, उसे ये आगे बढ़ चढ़ के मदद करेंगे। इसके लिए एक ट्रस्ट खोलना चाहती हैं छोटू आरती चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, और फिर उस ट्रस्ट के माध्यम से सभी महिलाओं को ये मदद करेंगी। इसके अलावा इनसे मेरी बात हुई थी कि आखिर फंडिंग कहाँ से लाएंगे। इनका कहना है कि आप चाहें तो आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, जो फ़ोनपे नंबर इन्होंने दिया है, और गूगल पे, साथ में अकाउंट नंबर आपको इसी आपको वीडियो के ऊपर हम डाल देंगे। उससे आप पहले कंफर्म कर लें नंबर से, उसके बाद उसमें चाहें तो आप उसे सपोर्ट कर सकती हैं। तो इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को, सहयोगी एहसान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।